नमस्ते, सुस्वागत है आज आपका कैपिटल लेटर्स जो हमारी सीरीज चल रही है उसके एक और नए टॉपिक में लेटर डी पे चर्चा करेंगे हम। अब तो जो लेटर सी है वहां पर आप देखिए वो ओपननेस राइट साइड को है। अब अगर लेटर डी की भी बात करें तो वो भी सी की तरह है, बट वो लेफ्ट साइड में क्लोज्ड है और सी लेफ्ट साइड में ओपन है, राइट? तो डी लेटर क्या कहता है इसको थोड़ा डीप समझते हैं। यहाँ पे देखते हैं डी लिखा कैसे जाता है, पहले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो डी लेटर हम इस तरह से लिखते हैं, तो जो भी पर्सन लेटर डी लिखता है तो यहाँ पर ये हमारा हो गया थॉट लेवल और ये हमारा इंस्टिंक्ट फीलिंग जो रूट चक्रा का है, ये हमारी इंस्टिंक्ट फीलिंग। तो जब भी ये पर्सन कोई भी काम करता है, कोई चीज खरीदता है या कोई रिश्ता निभाता है, कोई भी तरह का काम, इसका काम किस तरह का होगा? इसके खुद के सर्वाइवल के लिए। यहाँ पे हमने ये बात क्यों बोली? बिकॉज ये लेटर जो डी है ये लेफ्ट साइड में जा रहा है। एक तो ये लेफ्ट साइड में जा रहा है और ये लेफ्ट साइड में क्लोज हो रहा है। तो ये जो स्टेम है लेटर डी की, ये क्या है? ये मैं खुद हूं, जो भी पर्सन लिख रहा है मी, ठीक है? तो जब उसकी खुद की बात आती है, जब उसके सर्वाइवल की, उसकी रूट्स की, जड़ों की बात आती है, तब ये पर्सन का क्या रहेगा? इसके थॉट्स कनेक्टेड विद हिज इंस्टिंक्ट, थॉट्स विद हिज इंस्टिंक्ट, उसकी गट फीलिंग के साथ वो कनेक्ट करेगा। पहले मन में विचार आएगा एंड देन उसको रीचेक कहाँ पे करेगा? अपनी गट फीलिंग के साथ। तो ये लेटर डी बोलता है, जहां पर ये किस चीज के बारे में बात करेगा? खुद के बारे में। मान लीजिए खुद कोई जॉब कर रहा है, किसी के साथ कोई उसका रिलेशन है, या खुद के लिए प्रोडक्ट बाय कर रहा है, ठीक है? तो ये लेटर डी बताएगा, वो अपने रीचेक करेगा थॉट लेवल एंड देन अपने गट्स फीलिंग के साथ जाएगा, ठीक है? तो ये हमारा हो गया लेटर डी इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए, ये हम वर्टिकल ड्रॉ करते हैं, ये वर्टिकल लाइन और देन फिर ऐसे होगी। तो ये वर्टिकल लाइन क्या बताती है? कि ये जो पर्सन है ये कंफर्म करेगा उसकी जो एबिलिटी है, क्योंकि कैपिटल लेटर्स क्या बताते हैं? आपकी एबिलिटी, आपकी क्षमता। तो ये अपनी एबिलिटी को कंफर्म करेगा इन अ वेरी स्ट्रेट मैनर। तो देखिए बड़ा ही आराम से अच्छा खासा डी लिखा हुआ है और अपनी मतलब की जो गट फीलिंग है उसके साथ कनेक्ट करके ये अपने प्रेजेंट को एंजॉय करेगा। कई लोगों का एक नेचर होता है, कैसी भी परिस्थिति हो कुछ लोग उस चीज को एंजॉय करते हैं, कुछ लोग उस चीज में भी स्ट्रेस्ड रहते हैं। तो कहने का मतलब जो इस तरह का डी लिखते हैं तो ये ना लेस इफेक्टेड होते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, ठीक है? उनको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हम इंजॉय कब करते हैं? जब हम अपने आप को चीजों को अफेक्ट कम करने देते हैं। जितना आप चीजों से कम इफेक्ट होगे उतना आप जिंदगी को ज्यादा अच्छे से जिएंगे। तो ये वाला डी का यही है, जब उसकी खुद की बात आती है तो आसपास की परिस्थितियां कैसे भी हों वो उसको इफेक्ट नहीं होती। वो अपनी इनर पीस को, कोई भी चीज पे काम कर रहा है तो वो इंजॉय करता है, ठीक है? अब यहाँ पर ये ही लेटर डी है, चाहे वो थॉट लेवल की बात करें जिस भी, तो यहाँ पर क्या हो गया? अगर ये सेम लेटर है बट यहाँ पे क्या कर दिया उसने, लेटर को स्क्वीज कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो गया? लेटर स्क्वीज हो गया। तो जहां पर स्क्वीज आ गया, बाकी वो थॉट से भी कनेक्ट कर रहा है, अपनी गट फीलिंग से भी कनेक्ट कर रहा है,
बट यहाँ पे स्क्वीज आ गया। अब आप समझिए, जहां पे चीजें स्क्वीज आती हैं वहां पे स्ट्रेस आता है, और वहां पे क्या आ जाता है, स्ट्रेस का मीनिंग अपने आप में क्या होता है, फियर। ठीक है, तो जब भी ये कोई काम करता है, मन में विचार लाता है और उसको एग्जीक्यूट करता है, बट उसके मन में फियर आ जाता है, तो यहाँ पर उसको किस चीज की कमी होगी, लैक ऑफ कामनेस, उसको कामनेस की फीलिंग नहीं रहेगी। ये वाला जो डी डाला था लेस अफेक्टेड, यहाँ पे काम है, क्योंकि कैसी भी परिस्थिति हो उसका मन तो सही है। यहाँ पे परिस्थिति अच्छी हो, अकॉर्डिंग हो या नहीं, बट उसको एक इनर फियर सताता है। अब कुछ लोग ऐसे हैं वो बहुत ज्यादा ऐसा बड़ा लिखेंगे डी। अब यहाँ पर जब मतलब कि इसको बोलेंगे रिलैक्स डी, तो यहाँ पे अगेन कनेक्टेड है अपना थॉट लेवल, वो अपने गट्स, तो कोई भी मन में विचार आएगा ना, तो डी लेटर क्या कहता है, यहाँ पे देखिए बीच में और कहीं कनेक्ट नहीं है, तो अपने विचार को अपने गट फीलिंग के साथ कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पर लेकिन उसने जरूरत से ज्यादा बड़ा डाल दिया डी, तो यहाँ पर जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा रिलैक्स हो गया, तो रिक्वायरमेंट से ज्यादा हो गया तो उसको हम लेजी बोलते हैं। तो लेजीनेस इटसेल्फ, लेजी व्यक्ति कब होता है, तो वहां पे रिलैक्स माइंड नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, वीक माइंडसेट, उसका जो मेंटल एबिलिटी है क्या हो जाएगा, वीक होगा, वीक मेंटल एबिलिटी का पर्सन होगा, इसीलिए उसका काम करने में लेजीनेस आता है। आप कभी भी देखना ये मिडल जोन वाले होते हैं जिनका ये लेथार्जिक आता है, तो इनका आईक्यू लेवल बहुत ये कम होता है इनका, राइट। तो स्क्वीज हो गया तो स्ट्रेस हो जाएगा, फियर आ जाएगा, रिलैक्स्ड हो जाएगा तो मेंटल एबिलिटी उसका वीक हो जाएगा। तो ये प्रॉपर से इस तरह का होना चाहिए, तो ये कोई भी कार्य करेगा अपने गट फीलिंग की सुनेगा एंड एंजॉय करेगा चीजों को। अपार्ट फ्रॉम दिस, कई व्यक्ति ऐसा लेटर लिखते हैं ना, तो वो ऊपर स्पेस छोड़ देते हैं, खुला लग जाता है उनका। तो हमने बी लेटर में भी किया हुआ है सेम। तो ये जब भी कोई खुद के लिए काम करेगा, ये मैं हूं, तो मतलब थॉट है जो उसका, थॉट को तो ध्यान नहीं करने वाला, वो अपने लिए जब भी काम करेगा वो किसकी सुनेगा, सिर्फ अपनी गट फीलिंग को ही सुनने वाला है। यहां तक क्लियर हो गया? तो ये यहाँ पर उसको संतुष्टि नहीं है, कहाँ पर, क्राउन चक्र पर उसको कोई भी संतुष्टि नहीं है, बट वो अपनी गट फीलिंग को संतुष्ट करेगा। अगर कोई भी लेटर, जैसे मैंने बी पे मैं नहीं बता पाई, बी लेटर या यहाँ पे हम डी की बात करें, अगर बी लेटर भी यहाँ से, तो मैंने आपको ना मेरी स्मॉल लेटर्स की आप वीडियो देखी है, कोई भी लेटर ले लीजिए किसी भी लैंग्वेज का, अगर वो नीचे से ओपन होगा तो नीचे वाला पार्ट हमारे लेग एरिया को बताता है, हमारे एग्जीक्यूशन को बताता है, ठीक है, हमारे काम करने की प्रतिक्रिया को बताता है। तो अगर हमारी में एनर्जी रहेगी तो ही हम अपने लेग एरिया से, जिसको हम अगर हमारा शनि भी बोलते हैं, हमारे कर्म को बताता है, जहां से हम कर्म करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने स्पेस दे दी, तो यहाँ पे क्या होगा, आप क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू लूज दैट एनर्जी। जब कभी भी आपका लेटर नीचे से ओपन होगा, तो अब आपका एनर्जी लूज हो गया, तो मतलब अब यहाँ पे आप अपने क्राउन चक्र को तो सेटिस्फाइड कर रहे हैं, आप ऊपर से तो कोई चीज डाल रहे हैं सही से, मगर आपका जो लोअर जोन है वो संतुष्ट ही नहीं हो रहा, आपको और आपको और चाहिए, क्योंकि अब जितना डालते जा रहे हो वो नीचे से निकलता जा रहा है, तो दिस इज नॉट गुड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एग्जीक्यूशन लेवल वीक हो जाएगा, आप जल्दी थक जाएंगे। बाकी हमने जैसे बी लेटर में किया था, देखते हैं तो अभी डी लेटर में भी, अगर ये आपका क्रॉस हो रहा है ऐसे, अब ये एंगल पे मत जाइए, तो यहाँ पे वही, जब आपके माइंड में कोई थॉट आ रहा है तो आप उसको
पास्ट लेवल तक लेकर जा रहे हो। आपके जो थॉट्स है वो क्लैश कर रहे, जो क्राउन चक्र के आपके थॉट्स है दे आर क्लैशिंग बिटवीन योर, ये देखो थोड़ा ऊपर चला गया, ये क्राउन हो गया, ये देखो क्राउन हो गया, और ये आपका कहाँ पे आ गया, थर्ड आई। एक तो इनके बीच में क्लैश हो रहा है, और ऊपर से मैंने क्या बताया, ये रू वापस से आपके पास्ट की तरफ जा रहा है, ओवर थिंक कर रहे हो। और यहाँ पे भी आप जब आपके गट फीलिंग के साथ कनेक्ट करते हो तो भी आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के साथ रिलेट करते हो। तो क्लियर हो गया यहाँ पे? तो यहाँ पे भी आप देखिए रूट चक्र और सैक्रल चक्र में आपका कट आ गया, ठीक है। तो जब भी अपने सा अपने बारे में कोई भी डिसीजन लेता है तो यहाँ पर क्या आ गया, उसका क्लैश आ गया, आज्ञा चक्र में और क्राउन चक्र में, और इधर रूट चक्र और उसका जो है सैक्रल चक्र, क्लियर। और बाकी यहाँ पे ओवर थिंक कर रहा है, और यहाँ पे गट फीलिंग की जब बात आती, ये अपने सैक्रल की बात आती है, अपने स्वादिष्ठान कंफर्ट जोन की बात आती है, तो अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को जरूर ये काउंट करता है लेटर डी। तो अभी कई लोग किस तरह का डी डालते हैं, ये देखिए उसका ये ऊपर को ज्यादा चल जाएगा, ये इस तरह। तो अगेन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब ये क्राउन चक्र से रिलेट नहीं कर रहा, अब ये कहाँ पे आ गया, अपने थर्ड आई चक्र, जो आपका थर्ड आई चक्र, अपनी नॉलेज का ध्यान करते हुए जब भी कोई काम करेगा तो आपका जो ये थर्ड आई चक्र, आपका नॉलेज, अपने बारे में जब भी कोई डिसीजन ले रहा है तो कनेक्ट किससे करेगा, थर्ड आई चक्र से, और देन किससे, अपनी गट फीलिंग, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो ये अपनी इस तरह से आप कितने जितने तरह के पैटर्न उतने तरह के आप अपा आराम से बहुत अच्छे से चीजों को कंक्लूड कर सकते हैं। बस आपको ना चीज को समझना है कि लेटर सी क्या कहता है, लेटर डी क्या कहता है। देखिए लेटर सी ओपन हो गया तो वो सोशल हो गया, लेटर डी है वो लेफ्ट में ओपन है बट वो क्लोज हो गया, तो वहां पे स्ट्रेट लाइन आ गई, जहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ जाती है वो हम होते हैं, वो हमारी स्पाइन होती है, वो हमारे को बताती है हम लेफ्ट को आ रहे हैं तो हम सिक्योर हो रहे हैं। कोई भी लेटर आपस में क्लैश कर रहे हैं तो वहां पे आपने देखना है कि उसका वहां पे क्लैश बिहेवियर आ रहा है, ठीक है। अगर वो रूट चक्र को कर रहा है, थॉट को, जो आपका थॉट लेवल को कनेक्ट कर रहा है तो वो उस लेवल का सोचता है, अगर वो ग्रीन चक्र पे आ जाए विशुद्धि चक्र पर तो वो कम्युनिकेशन लेवल तक का सोचता है। तो इस तरह आप कोई भी चीजों को रिलेट कर सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल। अगर कोई भी लेटर आपका ओपन हो रहा है, चाहे वो ऊपर से ओपन हो नीचे से, तो आपकी एनर्जी तो डिप्लीट होने वाली है। ऊपर से ओपन है तो एक्सेप्टेंस हो जाती है, नीचे से कोई भी लेटर, वेदर इट्स कैपिटल वेदर इट्स स्मॉल लेटर, तो वो आपकी एनर्जी को लूज करेगा, करेक्ट। तो आप जल्दी टायर्ड फीलिंग, कितना इजी है एनालिसिस करना, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, बट हम लोग ना चीजों को समझने की कोशिश नहीं करते, और फिर हम बोलते हैं ये वाला लेटर क्या कह रहा है। खुद ही आप देखिए, जहां पे एंगल आएगा वहां पे शार्पनेस आ जाएगी, जहां पे गार्लैंड आएगा वहां पे सॉफ्टनेस आ जाएगी, ये तो इजी ही बहुत है, ठीक है। तो ऐसे आप भी और काफी अगर लेटर्स हैं आपके तो आप भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप और डीप में इसको जानना चाहते हैं लेटर डी को कि ये और क्या क्या कहता है, तो आप हमारा ग्रेफोलॉजी फॉर ऑल का कोर्स ज्वाइन कीजिए। तो अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।